चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई मिशन सक्सेसफुल पहुंच चुके हैं। तो भाई हमारे रोड का टूल्स डाल रहे हैं इसमें। तो ये शहद और गन्स का क्या कॉम्बिनेशन है कि आप शहद भी बेच रहे हैं और पिस्टल भी? क्या हुआ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर से हमारी जान छूटी। लाहौर से तंग नहीं थे, लेकिन ये कि यार अब बंदे का एक माइंड बना हुआ था, तालिबान के साथ घूमूंगा उनकी गाड़ियों में, और यहाँ फंसे हुए थे लाहौर में। खैर अभी उम्मीद पासपोर्ट आ गया, वीजा भी आ गया है, पिशावर मैंने शिफ्ट भी करवा दिया है। मेरे ख्याल से पासपोर्ट तो मेरा पहुंच भी गया होगा। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बस में, और वीर भाई के आस्थाने से जा रहे हैं। अभी इनको तंग किया हुआ था तकरीबन 4 दिन से मैं यहाँ पर था। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत तंग किया था यार आपने। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नहीं, चलो मैं अभी तो आपको अलविदा। हमजा भाई सर जी बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ भाई जान बहुत बहुत शुक्रिया। वापसी में फिर आना लो। नहीं फिर तो मैं वहाँ से जाऊँगा ना कराची, सीधे रास्ते से। तो बस अब निकलते हैं और फिर आपसे बस अड्डे में मिलते हैं। तो भाई साहब पहुँच चुके हैं बस स्टेशन लाहौर के, और अब यहाँ से हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। तो पिछली बार जो हम पिशावर जा रहे हैं, पिशावर से जो हम लाहौर आए थे वो हमारा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा था विथ फैसल मूवर्स। तो उन्होंने कोई मुझे खास रिस्पांस दिया नहीं, वो मैं किसी दिन आपको स्टोरी ज़रूर बताऊंगा। तो अभी फैसल मूवर्स तो नहीं, वो उसकी छोटी बहन समझ लो, सानिया करके है कोई, बस वो भी इनकी है मेरे ख्याल से, आगे पीछे कोई इनका ही अपना ब्रांड है। तो उसमें भी जा रहे हैं, बस ये तो सेम ही है, बस होस्ट अच्छा हो यार, और कुछ मसला नहीं है। और मैं भी भाई मुँह टूट के जाऊँगा अच्छे से, पिछली बार बड़ा मसला हो गया था वॉशरूम का। तो खैर अभी यहाँ से जा रहे हैं हम लोग पिशावर, और पिशावर में फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है ना। रात हम बस में गुजारेंगे, बस सो जाएंगे ना, फिर सुबह उठ के दोबारा से एक्सप्लोर। तो ये मैंने इसलिए टाइम सोचा रात का कि रात मेरी गुजर जाएगी बस में, दिन ज़्यादा ही होगा, कल हमारा पासपोर्ट भी आ जाएगा, तो परसों हम लोग निकल जाएंगे बॉर्डर क्रॉसिंग। तो भाई साहब पिशावर के होटल में आ गए हैं, जहाँ हम पहले रुके थे वहीं पर हैं, और यहाँ पे हमें कमरा मिल चुका है 600 रुपये पर डे मिला है। तो अब इनका 12 बजे चेकआउट होता है, तो हमने 30 घंटों के लिए लिया है 1200 का। लेकिन मसला ये है कि फोर्थ फ्लोर पे नीचे बोल रहा है कि मेरे छोटा रूम नहीं है कोई भी ना, नीचे कह रहा था कि 3-3 बेड वाला रूम है। सांस फूल गई मेरी। कमरे में मिलता हूँ आपसे। ये है हमारा कमरा 4th फ्लोर पर। आप लोगों के लिए तो एक ट्रांजिशन होती है बस कि मैं इस्लामाबाद लाहौर से बैठा बस में और पिशावर आ गया भाई, एक ट्रांजिशन। आप सेकंडों में पहुँच जाते हो। खैर मैं बस में उठा ही नहीं, सोया ही हुआ था मस्त। यहाँ आते ही साथ भाई इतनी ठंडे, बहुत ठंडे यार। थोड़ी देर लेटते हैं फिर उसके बाद नहाएंगे। यहाँ पे पानी बड़ा टाइट आता है, गर्मा गर्म। यही वजह थी कि मैं ऐसी होटल में आया डायरेक्ट, कहीं आगे पीछे नहीं, या सस्ते के चक्कर में। मैं कहा भाई काम होना चाहिए पक्का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बहुत खैरियत से होंगे। ये मैंने दोबारा से इंट्रो कर दिया है आप लोगों की मोहब्बत में, क्योंकि अभी मैं हुआ हूँ बिल्कुल फ्रेश, नहाने के बाद बिल्कुल हो गए हैं हम लोग फ्रेश, और अब हम निकल रहे हैं गन मार्केट देखने। लेकिन अब घंटा में कुछ पता नहीं है, अब यूट्यूब वगैरह पे देखता हूँ कि भाई किस तरह जाएंगे ये वो। अब यहाँ पर मैं किसी से पूछता भी हूँ कि भाई मुझे विजिट करने जाना है, यहाँ से 50 किलोमीटर आ रहा है जो मुझे किसी ने जो जगह बताई थी। तो बस अब निकलते हैं, बहुत टाइम लेट हो गया है, तकरीबन टाइम हो रहा है 10:11 हो रहे हैं, तो पहुँचते 11 बज जाएंगे। फिर वहाँ 1-1.5 घंटा विजिट करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से वापसी आना है, फिर बहुत सारे काम है। तो जुड़े रहें, आपके लिए एक ट्रांजेक्शन और मुझे यहाँ पे 50 किलोमीटर जाना है। तो भाई साहब ये है अपना होटल, और पीछे इसके पीछे वाला रूम मेरा है, और पिशावर का आपको मैं थोड़ा सा अपर व्यू दिखा देता हूँ। हम लोग अभी खड़े हुए हैं 4th फ्लोर पर। तो भाई ये है पिशावर, थोड़ा सा करीब से आपको दिखा देते हैं। वो सामने बस अड्डा है, यहाँ पर ये सामने मेट्रो का पुल है, और ये सारा सिस्टम। चलते हैं नीचे की तरफ, फिर आपको लेकर चलते हैं। भाई साहब पहुंच चुके हैं पिशावर बस अड्डा, और यहाँ से हमें मिलेगी
गोहाट की बस, बोला 50-60 रुपए लेगी, आपको छोड़ देगी वहाँ पे। बस नहीं जाएगी ये, जाएगी हाईएस, तो हम हाईएस में जाएंगे, जा रहे हैं वहाँ पे। भूख बहुत लग रही है यार, देखता हूँ अभी पहले टिकट करवा लूँ, फिर कुछ खाते पीते हैं। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं डेरा आदम खैर, और ये आपके सामने है यहाँ का व्यू, पहाड़ों के बीच में हैं हम लोग, और यहाँ पे हमें जो एक्सप्लोर करनी है जगह, हम बताते हुए भी ना अजीब सा लगता है, बंदा बोलता है मैं गने देखनी है, गने लेनी है, तुम सही बंदे नहीं हो। अबे मैंने बोला भाई ऐसे ही विज़िट करने आए, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी वो सामने है मार्केट, यहाँ से हमें जाना है वहाँ मार्केट जाकर, वहाँ मार्केट जाते हैं, देखते हैं क्या सेटअप बनता है। और यहाँ पे बाकी पुलिस बहुत है, एफसी वगैरह चेक पोस्ट यहाँ पे बहुत है, तो अभी जाते हैं मार्केट में, मार्केट विज़िट करते हैं, और आपको भी जो मिशन के लिए हम आए हैं ना वो मिशन कंप्लीट करते हैं, वो जो हमें देखना है पिस्टल वगैरह, ठीक है ना, वो देखते हैं। पहुँच चुके हैं, पिस्टल वगैरह देखने आए थे हम, और यहाँ पे सारा सिस्टम नज़र आ रहा है हमें, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, तो भाई मिशन सक्सेसफुल, पहुंच चुके हैं भाई हमारे, बहुत अच्छे हैं इन्होंने, हमें कहा कि आप देख सकते हो गन्स वगैरह को। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे सारी गन्स यहीं पे बनती है, ये आप देख सकते हो, ये छोटा सा कारखाना होता है, तो यहाँ पे गन वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। तो भाई क्या है इसका नाम है, गन मैगजीन निकालो जरा, एक मिनट, इधर से नहीं, इधर से मैगजीन निकाल, पीछे करो, ये क्लिप दबाओ, सही, दबा दिया। तो भाई हमारे लोड करके दे रहे हैं, अच्छा अच्छा इस तरह, अच्छा अच्छा, सही 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 सही, दबाओगे अभी, देखो नीचे से ये ज्यादा दबाओगे ना, इधर से ये देखो, ये ज्यादा दबाओगे टूट जाता है, फिर अभी ये लॉक हो गया, अच्छा अच्छा, इसको दबाओ पहले, इस तरह उंगली से दबाओगे तो पीछे मोड़ेगा, सही भाई सही, ये हो गया भाई लॉक, लॉक नहीं। तो भाई इसमें ये तीन लॉक हैं, ऑटोमेटिक, सेमी और सेफ्टी, ठीक है भाई, ये स्पेशल है M16, स्पेशल मिनी पिस्टल, 30 बोर है ना, 30 बोर है ना ये, M4 डीजल, और ये आ गया अपना मैगजीन, मैगजीन भाई साहब, पंगा नहीं लेना मुझसे बिल्कुल भी अब, ठीक है भाई। तो अब और गले देखते हैं भाई की, चेक करते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे, सही नो कदे मैं सफा रहे, ये आ गई अपने पास कलाशन, सबकी फेवरेट AK-47, मेड इन बुल्गारिया, बनती पाकिस्तान में है ये, ठीक है, यहीं पे बनती है सारी, सब ये लोकल मैन्युफैक्चर है। और पूरा ब्लड मारो, हो गया, हाँ भाई चल गई, बेहतरीन है यार, बहुत बेहतरीन कंडीशन, बहुत अच्छी है, सफाई वगैरह है। बाकी आपको दूसरे भी दिखा देते हैं भाई, सबसे स्पेशल कौन सी अपने पास, ये सारा रिपीट है, 223 बोर अमेरिकन डिजाइन है, नहीं उसको उठा लो, नहीं है ये, हां ये उठा लो, उठा लो, हाय हाय हाय, इसका मैं दिन पीछे भी जाता है, अच्छा अच्छा, उधर से दबाओगे पीछे, खींचो खींचो खींचो, नहीं पूरा है, नहीं गया पीछे, ये लोट के आ गया, हां हो गया भाई, ये बट जो है ना इसका, ये इधर से खींचोगे तो लंबा हो जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, बेहतरीन है यार, मेरे को बचपन में बड़ा शौक था गन्स का, छड़े वाली लेता था मैं, अच्छा
पाकिस्तान 223 बोरे अमेरिकन डिजाइन ये कोई ऐसा स्पेशल जो बहुत स्पेशल हो वो बताओ जो सबसे ज्यादा स्पेशल हो ये भाई 44 बोर हाँ ये देखो AK-47 ये AK-47 हाँ जी अच्छा इसमें कितने राउंड होते हैं 44 बोर 44 है जी हाँ इसमें 44 गोलियां डलती हैं ना नहीं 44 नहीं इसमें 25 गोली आता है 25 गोली आता है हाँ जी अच्छा लेकिन बोर 44 अच्छा हाँ राउंड 44 का आता है ना खींच लो उसको हाँ खींच लो ये दमदार है हाँ जी ये दमदार है बाबा मावसर लग रहा है और यार हेलो कोई शुक्रिया भाई और कोई स्पेशल जो अपने पास हो ऐसा कोई गन हो जो स्पेशल गन वाला भी है हर चीज गन है ये सारा स्पेशल चीज है अच्छा अच्छा सही सही ये रखें आप इसको और थोड़ा पिस्टल पिस्टल दिखाएं छोटा हां जी इस मैगजीन में 20 राउंड आता है ना हां सिंगल पिक कर दिया ब्रश अच्छा ये एक बारी में जलाऊंगा सारा चल जाएगा हाँ एक बारी में सारा चल जाएगा हाँ एक मैगजीन में चलता है ये मैगजीन उतारो मैगजीन उतारो नीचे दबाओ सही 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 अब जैसे कोई बंदा लेने आया तो बोले मुझे चला के देखनी है तो फिर उधर साइड पे जाके उधर पैर की जगह उधर पैर करो दबाओ हमने कभी चलाया नहीं है एक बार चलाया था क्या बात ये भी यही बनता है ये दरवाजा बनता है अच्छा टर्की लिखा हुआ है मेड इन टर्की हाँ जी तुर्की ये है ना गन तो ये 30 बुर्जी गाना मैगजीन निकाल गोली खत्म हो जाएगा ना खुद खुद ही बहुत पीछे आ जाता है हां ये हमने गेम में देखा है हां बाद में मैगजीन निकालेगा फिर वापस ओए यार ये है यार इसका क्या रेट है भाई इसका रेट जी 20000 20000 है इसका अच्छा गोलियां इसकी 14 गोलियां था इसमें मैगजीन में अच्छा इसका ट्रिगर बहुत हल्का होता है मैं करता हूं अच्छा ये भी जैसे एक गोली मैंने लोड की तो वो पूरा चलेगा मतलब पूरा चलेगा लेकिन इसमें इधर से ऑटोमेटिक ब्रश भी होते हैं और सिंगल भी इधर से ब्रश करता कि सारा गोली एक ये इधर से लॉक होता है इसका पैर पे इधर करोगे तो ये लॉक हो गया अभी पैर नहीं करेगा सही सही इसका रेट है 25000 25000 इसका इसका रेट है 35000 अच्छा इसके क्यों ज्यादा यार ये तो अच्छी है दिखने में नहीं नहीं ये 12 बोर है 223 बोर है ना अच्छा इसमें कितनी गोली चलती है इसमें 30 गोली आती है इस पे 5 गोली आता है मतलब ये बहुत तेज चलती है तेज चलते है और दूर तक जाती है जी ये रखना इसको मना करते हैं पुलिस वाले खैर मना तो कर मना करते हैं इसके लिए भी लाइसेंस जरूरी है ये 3000 अच्छा ये भी यही बनता है पूरा नहीं नहीं ये चाइना अब ट्राई पे जा रहे हैं इन गन्स के दो ये हैं हमारे पास ये वाले तो उनके ट्राई पे जा रहे हैं अभी मैदान वगैरह में चेक करते हैं कितना पावर है इसमें तूज डाल रहे हैं इसमें और यहाँ पे होगा अपना फायर इसमें कितने हैं दो हैं हाँ। अच्छा अच्छा ये इसमें डलेगा हाँ। अच्छा अच्छा ये दोनों का एक जैसा होता है हाँ जी ओए ओए ये भी दरी बनता है ये नहीं नहीं ये हुआ वाला है बाहर गया हाँ जी ये बाहर से अच्छा 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 इसमें 3 मैगजीन डालते हैं राउंड जान दिया ठीक है सही बहुत बहुत शुक्रिया आपका इधर से ब्रश करता है उधर से सिंगल सही कैंसर आप सिर्फ सिंगल नहीं नहीं इधर से हो गया चलाओ हाँ चलाओ पिस्टल लोड किया था ना हाँ लोड हाँ वापसी तो नहीं आ जाएगा नहीं 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 नहीं
क्या हुआ? करो करो करो, आओ करो करो ना करो ना, बस बेहतरीन बेहतरीन बराबर बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था, मुझे डर भी लग रहा था, इसलिए भाई से ही हमने फायर करवा दी आप लोगों के लिए ताकि वीडियो अपनी अच्छी बन जाए। ठीक है भाई, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहें वीडियोस, आपको इसी तरह मज़े मज़े की वीडियोस दिखाते रहेंगे। भाई ये है मार्केट, हाँ असले का मार्केट है और ये यहाँ पर बन रहा है असला। बहुत मुश्किल है चलाना यार, हम जा रहे हैं दोबारा पिशावर जाएंगे दोबारा से, फिर वहाँ पे खाना वाना खाएंगे। भाई साहब पहुँच गए हैं दोबारा से अपनी जगह पर। ठीक है भाई जान, क्या नाम है आपका? सरकार अकबर हुसैन। अकबर हुसैन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ये शहद भी बेचते हैं आप? हाँ जी। तो ये शहद और गन्स का क्या कॉम्बिनेशन है कि आप शहद भी बेच रहे हैं और पिस्टल भी? नहीं नहीं, बस मस्जिद का मौलाना साहब है ना, हाँ हाँ, उसके पास अपने वो पी किया ना, अपना कारोबार। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा ओरिजिनल है। अच्छा 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 अच्छा, बेहतरीन। तो भाई शहद और इसका कॉम्बिनेशन है यहाँ पे और ये आपके सामने है सारी गने। ये भाई साफ कर रहे हैं, धो रहे हो आप? क्या कर रहे हो? आयल वायल डाल लें इसमें। अच्छा अभी ये चली हैं तो इसमें भी वापस आयल डलेगा? अच्छा अच्छा, सही 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 सही। माशाल्लाह अकबर भाई ने हमें कावा पिलाया यहाँ पे। ठीक है, तो कावा पी रहे हैं भी, बेहतरीन है, अच्छा है माशाल्लाह। दुकान है अकबर भाई की, सारा पिस्टल वगैरह भी हमने चलाई थी आपको पता है। ये खुद कारीगर भी है, ये कारीगर भी है माशाल्लाह से, सही से तैयार किया पिस्टल। ये देखें ये भी है, ये यहाँ पे तैयार होता है सब, ये अभी हो रहा है यहाँ पे तैयार, ये यहाँ पे हो रहा है तैयार। बाकी भाई पिस्टल चलाई थी मैंने, अभी तक मेरे हाथ कांप रहे अभी तक हाथ कांप रहा है मेरा। मैंने पिस्टल चलाई थी 2014 में चलाई थी एक बार, एक बुलेट वो भी बस, बाकी उसके बाद आज चलाई है 2022 में। तो भाई साहब पहुँच चुके हैं मेन रोड पर, हाईवे पर। अब यहाँ से हम जाएंगे पिशावर वापस। अब यहाँ पे यार कोई बस अड्डा नहीं है, कुछ भी नहीं है, रोकना पड़ेगा किसी को, मतलब वैगन वालों का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह ऐसी है ना, पीछे देखो पहाड़ी पहाड़ है, तो ये जगह ऐसी है कि आप यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे भाई लोग जाहिर है पिस्टल की मार्केट है तो गने ही खरीदने आ रहे होंगे, और लोग ले भी रहे थे गने वगैरह, लोग ले रहे थे, तो यही सिस्टम है। चलते हैं पिशावर की तरफ। तो हम किसी से लिफ्ट नहीं ले सकते, प्रॉपर जो ट्रेवल की गाड़ियाँ होती हैं उसी में बैठकर जाएंगे। तो भाई साहब ये है रोड और ये है पहाड़, ये हूँ मैं। अब इंतज़ार कर रहे हैं टोयोटा वगैरह हाईएस वगैरह का, फिर बस आती है तो फिर उसमें जाते हैं। हेलो जी, तो हम पहुँच चुके हैं पिशावर के मॉल डीन्स में। तो वहाँ पर हम उतरे थे बस स्टॉप से और फिर हम आ गए थे यहाँ पर, मिलना था हमें एक भाई से जो हमारे साथ ही हैं। कैसे हैं भाई? खैरियत से? खैरियत से जी, ठीक ठाक। तो इनका ऑफिस अभी हमने विज़िट किया और ये है मॉल पिशावर का। पिशावर का मॉल तो वो मैंने देखा है ना वीडियोस में जी, तो वो ईरान के भी मॉल ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल, ये पिशावर के डीन्स मॉल है। बेहतरीन बेहतरीन। सदर में? तो भाई सदर मार्केट में हैं अभी हम लोग और अब हम जा रहे हैं बेला चाओ कैफ़े जा रहे हैं।
बेला चौक सबको बेताबी से इंतजार है। हाँ, सबको बेताबी से इंतजार था बेला चौक कैफे का। लेकिन मसला ये है कि आप इस वीडियो में इस बेला चौक कैफे को नहीं देख सकते। ये वीडियो हमारी यहाँ पे हो रही है ख़त्म। अब आपको इंतज़ार करना है हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।